जय हिंद क्लासेस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मेरा टीएच फुल्ली मैक्स आउट हो चुका है। लगभग सिर्फ दो एलेक्जियर कलेक्टर और एक नी गोल्ड माइन बाकी है, जिस पर हमारा बिल्डर दो लगे पड़े हैं। अपना एक बिल्डर अभी फ्री है, तो इस बिल्डर को हम लोग डालेंगे टाउन हॉल पे। यहाँ पे रिकमेंड करने लगा है टाउन हॉल, जो लेगा 10 लाख। एलेक्जियर अपने पास है अभी एक लाख कुछ हज़ार है अपने पास एलेक्जियर। वो गोल्ड अपने पास है नहीं, तो यहाँ पे हमें गोल्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग गोल्ड को लेंगे, अपने सीजन वाले चैलेंज से रिवार्ड पे जाएंगे। तो 10 लाख यहाँ से उठा लेंगे, 5 लाख और उठा लेंगे, 15 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगता है हमारे इसको अपग्रेड करने भर का हो चुका है अपने पास गोल्ड। तो यहाँ पे ये तीर कुछ बता रही है क्लाइन के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, हे चीफ, दज रेड मेडल्स यू गोट फ्रॉम द कैपिटल कैन बी यूज हेयर। ओके, यहाँ रेनफोर्स पे जाएंगे। यू कैन यूज देन फील ऑफ योर क्लाइन कैस्टल विथ वाट एवर यू वांट। ओके, सोल्ड। चलिए ठीक है, बाई करेंगे, कर लेते हैं हम लोग। वैसे ज़रूरत है नहीं, तो अभी हम लोग बाई नहीं करेंगे, बाद में। फिलहाल के लिए देखते हैं रेड मेडल सबकी बार हमें कितने मिले थे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहा है। किसी दूसरे क्लाइंट में हमने रेड अटैक किया था, इस वजह से हमें नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी एक बिल्डर को हम लोग अपग्रेड पे डाल देंगे, अपने टाउन हॉल को टाउन हॉल पे अपग्रेड पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे लाएंगे इसको साइड में और यहीं पे अपग्रेड करेंगे इसको मैदान में ला के। थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे गाइस फुल मैक्स हो चुका है अपना TS6। तो इसको हम लोग अगर अपग्रेड के लिए डालेंगे TS7 के लिए, टोटल 18 घंटे लगेंगे, जिसमें हमें न्यू चीज़ें मिलेंगी। एक अपना हिडन टिस्ला होगा और एक किंग होगा, बवेरियन किंग। एलेक्जियर ड्रिल होगी डार्क वाली, और एक होगा डार्क एलेक्जियर स्टोरेज, डार्क बैरक होगा। और अपने हो जाएंगे ट्रैप्स जैसे सिंकी एयर माइन, और एक आर्मी कैंप भी मिलेगा। दो कैनन्स मिलेंगी, एक आर्चर टावर मिलेगा, और मिलेंगी 15 वॉल्स, एक एयर डिफेंस, एक मोटार, दो बम्स, एक जैंट बम। तो इसको हम लोग अपग्रेड पे डाल देते हैं फटाफट से। तो ये चला गया अपना अपग्रेड पे टाउन हॉल 7, जो कि अभी मैक्स आउट हो चुका है पूरा हमारा। तो यहाँ पे हमने अपग्रेड पे डाल दिया है। तो अभी अपने पास दो आर्मी रेडी हैं, तो फटाफट से अटैक कर लेंगे मल्टीप्लेयर बैटल में। तो ये बेस हमें मिल चुका है TS5 का, तो इसी बेस के ऊपर हम लोग लाइव अटैक करेंगे। तो यहाँ पर एक एयर डिफेंस हमने डाउन कर दिया, और CC चेक करेंगे, CC में कुछ है नहीं। तो यहाँ पर अपने लूंस आ जाएंगे, तीन लूंस आएंगे, आर्चर टावर को दे देंगे तीन लूंस, आराम से बेस 3 स्टार हो जाएगा। और एक बिल्डर, 3 बिल्डर्स थे, तीनों बिल्डर के पास कॉर्नर, हमने कॉर्नर में आर्चर्स को डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पे आ जाएंगी आर्चर्स पीछे की साइड से, क्लीन अप ट्रूप, और यहाँ पे आएगा अपना बिजार्ड, और ऐसे बिजार्ड को हम लोग ड्रॉप करेंगे क्लीन अप के लिए। एक अपना गोब्लिन्स आ जाएगा, यहाँ पे आर्चर्स आ जाएंगी, अभी तक एक भी स्टार नहीं हुआ है। यहाँ पर एक लून्स, यहाँ पे अभी और लून्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और लून्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगी अपनी आर्चर। सारी चीज़ें हमने डिप्लॉय कर दी, 2 स्टार आ चुका है 89% के साथ, और 92% हो चुका है अभी तक, और बेस 3 स्टार हो चुका है। टास्क बेस था TH5 का फुल मैक्स आउट बेस था लगभग। तो यहाँ पर एक आर्मी और रेडी है हमारी, बिना CC के हम लोग अटैक करेंगे। देखते हैं, अगर एक हमें मैक्स आउट TH6 का बेस मिला है, आर्चेट और इसका अपग्रेड पे है, तो हम लोग चलते हैं अटैक की तरफ। 4 लाइटनिंग डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर, AI डिफेंस के साथ बिजार टावर अगर मिल जाता तो अच्छी बात थी, हालाँकि मिला नहीं हमें बिजार टावर। तो यहाँ जिस साइड ऊपर की साइड एयर डिफेंस है, वहाँ से हम लोग अटैक करेंगे। लून्स आएंगे पीछे से, और वो आ जाएंगे अपने बिजार टावर के पास। अगर लून्स जल्दी से पहुँच जाते हैं तब तो अच्छी बात है, हालांकि एक इसका आर्चर टावर अपग्रेड पे है, वेट करेंगे। एयर डिफेंस दिक्कत दे रहा है बहुत ज़्यादा, हमने CC भी नहीं चेक करी थी, वैसे CC खाली थी। अभी एक बिजार टावर है, और अभी भी एयर डिफेंस टेक डाउन नहीं हुआ है, अभी हो चुका टेक डाउन। अभी कॉर्नर में देखते हैं तो इसके कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम आर्चर्स को डिप्लॉय करेंगे क्लीन अप ट्रूप के तौर पे, क्योंकि
अपना लून सेंटर में है, तो बाहर का हिस्सा क्लीन कर लेंगे अपनी आर्चर्स और बिजार्ड्स। यहाँ पर हमने एक दो बवेरियंस भी लिए थे, अगर कुछ सीसी होती तो हम लोग कॉर्नर में ले जाके उसको ख़त्म करते। और देख सकते हो गाइस, हमने बिना सीसी यूज किए, बिना सीसी लाए अपनी बेस को 3 स्टार किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। क्लैश ऑफ क्लैंस से जुड़ी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अटैक स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी TS-13 तक की देखने को मिलेंगी। तो अभी तो ये वीडियो खास कर थी TS-6 की, तो अभी ये बेस 3 स्टार हो गया है गाइस फाइनली। तो गाइस हमने अपने TH को अपग्रेड पे डाल दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैक्स वेट करेंगे 18 घंटे का, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने TS-7 पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको TS-7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।